अब्बा जान का कत्ल मैंने नहीं किया, वो लिबास मुझे मेरे भाई ने दिया था, बस ने किया है ये। और अब वो सुल्तान बनने जा रहा है। मैंने अपने वालिद को नहीं मारा, हमें यकीन है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे तुम्हें लाने ही नहीं चाहिए था, फिर भी तुम ले आए। भाईजान ने कहा था कि अगर वो तुमसे निकाह ना कर सके तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। तो एक रास्ता है कि पहले हमें प्यार करो और फिर कत्ल कर दो, पर मेरे पास एक बेहतर रास्ता है। तुम्हारा कत्ल कर देते हैं और तुम्हें अपनी मुसीबतों से छुटकारा दिला देते हैं। पर शायद हम कोई और रास्ता भी निकाल सकते हैं। एक रास्ता है कि पहले हमें प्यार करो और फिर कत्ल कर दो, पर मेरे पास एक बेहतर रास्ता है। हम तुम्हारा कत्ल कर देते हैं। तुमने जो चुराया उसे वापस करो। चोर देखा? क्या देखा? अगर तुमने फिर से तलवार उठाई तो हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। फिर से? तुमने पूरी रेत खत्म कर दी। क्या? क्या है ये? एक करिश्मा। खंजर से रेत को छोड़ने से वक्त पीछे पलट जाता है, और सिर्फ खंजर पकड़ने वाला जानता है कि क्या बीत चुका है, इसलिए वो पीछे लौटकर वक्त को बदल सकता है और उसके सिवाय किसी को पता नहीं चलता ये वक्त में कितना पीछे जा सकता है। बताओ शहजादी। तुमने हमारे शहर को तबाह कर दिया। हमले का मकसद हथियार हासिल करना नहीं बल्कि इस खंजर को ढूंढना था। लड़ाई के बाद दस ने इस खंजर की मांग की थी, तब मैंने गौर नहीं किया, मगर अब समझ में आ रहा है। वो जंग के मैदान में दुश्मन की उठने वाली तलवार को और हार जीत का फैसला करने वाले लम्हे को पहले से देख सकता था। इसे पाकर वो फारस का सबसे ताकतवर बादशाह बन सकता था, मेरे अब्बाजान से भी बड़ा। उनका मकसद ये खंजर था।